होप सो चाइना ही होगा या नहीं, चाइना नहीं, मे बी इंडिया, इंडिया यस ऑफ कोर्स इंडिया ही है जो है। देखिए आप दोनों बहस ना करें, मैं बताती हूँ ये किस्म लगी है, इंडिया की है। लोगों ने कहां से ये बना के देनी है, बाकी इंडिया ने बनाई है तो बहुत ही अप्रिशिएट करता हूं मैं उनको ये चीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूं, आप वो देख के बताएंगे इसमें की टैक्सी कौन से मुल्क इजाद कर सकता है। ये उड़ने वाली बनी हुई है जी, एयर टैक्सी काफी अच्छी लग रही है टैक्सी देखने में तो। मतलब आपके नजदीक कौन सा ऐसे मुल्क है जो ये इतनी तरक्की कर सकता है? मुझे लगता है पाकिस्तान की तो नहीं हो सकती ना जी, पाकिस्तान से तो उम्मीद ही नहीं ना रखें। नहीं उम्मीद रख सकते क्योंकि यहाँ पे तो एक जैसे ये ऑटो है, इसकी आप इसी एग्जांपल ले लें आप, इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर ऐसी टैक्सी की उम्मीद कर सकता है? मैं नहीं मानता हूँ पाकिस्तान में उम्मीद होगी इसकी। ये कोई एशिया मुल्क की यानी कि हमारे से हट के जो है ना, नहीं इसकी भी नहीं, इसके नज़दीक ही है कोई। सुपर चाइना भी, चाइना बोल सकते हैं, चाइना का मुल्क क्यों? नहीं नहीं चाइना की भी नहीं। मतलब ऐसा कौन सा मुल्क है जो इतनी तरक्की कर सकता है, उसने एक एयर फ्लाइट टैक्सी जात की है और लोगों की वही देखा है काफ़ी, यानी कि एक जैसे कि जहाज लगा लें त्यारा जो है जी, बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है टैक्सी, तो इसमें तो सफ़र करना भी बहुत ईजी होगा। ऐसे ही है बिल्कुल, जो जाहिर बात उड़ने वाली है तो ये हमारे पाकिस्तान से तो हम उम्मीद ही लगाना छोड़ देना। आप देखें इधर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत में उड़ने वाली कार का निर्माण हो रहा है, यह देखकर पाकिस्तानी लोग हैरान हैं। जो देश एक साथ आज़ाद हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आज हिंदुस्तान हमसे हजारों गुना आगे निकल गया और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। भारत चांद पर चला गया और पाकिस्तान सिर्फ कोसता रह गया। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को कोहिनूर का हीरा मिल गया और उसका नाम है मोदी। इसी बात पर वीडियो पर लाइक दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय।